टीकाकरण की आस लगाए 18 साल से अधिक उम्र के राजस्थान के लोगों के लिए शायद ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 1 मई से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में उनके लिए टीकाकरण शुरू नहीं होगा। इसके पीछे टीकों की कमी बताई जा रही है। दरअसल राजस्थान सरकार का कहना है कि राजस्थान में 3 करोड़ से ज़्यादा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाना है। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट से राजस्थान सरकार ने 3,75,00,000 डोज पहले चरण के लिए मांगे थे। बाकायदा ऑर्डर भी प्लेस किया गया, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से साफ कर दिया गया कि वह 15 मई तक केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर को ही पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में राजस्थान को सप्लाई करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। वैसे भी देखा जाए हर रोज़ राजस्थान में इस वक्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को, करीब 5,00,000 लोगों को टीके हर रोज़ लग रहे हैं, और इस वक्त भी टीकों की यहाँ कमी, और यही कारण है कि ज़्यादातर सेंटर बंद करने की नौबत भी आ गई है। करीब 25-30% सेंटर अब भी बंद है क्योंकि टीके समय पर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि 1 मई से अचानक केंद्र सरकार के आदेश अनुसार अब टीकाकरण निधि 18 साल से ज़्यादा लोगों का शुरू कर दिया जाए और टीकों की कमी आ जाए तो बीच बीच में उसे बंद करना पड़े सेंटर को। और यही कारण है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को उसने फिलहाल 15 मई तक तो टीके ना ही लगाने का फैसला किया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अभी गफलत की एक बड़ी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो किया जा रहा है पोर्टल पर जाकर, लेकिन न तो वह डेट मिल रही है, न कंफर्मेशन की चीज़, न हॉस्पिटल का नाम का अलॉटमेंट हो पा रहा है। इस तरह की कुछ तकनीकी खामियां भी है, और सरकार चाहती है कि पहले इन्हें पूरी तरह सुधार लिया जाए, फिर फुल स्विंग फुल स्पीड के साथ टीकाकरण किया जाए। इस वक्त मैं हूँ जयपुर के एक सैटेलाइट अस्पताल में, यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। लोग भी आ रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से हर रोज़ 17,000 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं, उसके बाद लोगों में भी अब अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता सताने लगी, और यही कारण है कि लंबे धूप में ये खड़े होते हैं काफ़ी देर तक लंबी लाइन में और टीका लगवाते हैं। आप टीका लगवाने आए हैं? मम्मी के लगवाने आए हैं। कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? 10 मिनट हुई है। 10 मिनट ही हुआ है। आप भी टीका लगवाना है भाई साहब? हाँ। कोरोना का खतरा डर लग रहा है बाहर जिस तरफ से माहौल है? बिल्कुल लग रहा है। आप भी टीका लगवाना है? नहीं नहीं, ये मम्मी आई है, मदर आई है मेरे साथ। मदर आई है। आप लोगों को तो 18 साल से मतलब शायद कल से शुरू होगा, लेकिन कल से राजस्थान में नहीं हो रहा है, बड़ा कोई टेंशन हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो नहीं लगेगा कल से। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। फिर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे, जब टीके आएंगे तभी लगाएंगे ना। सर आप भी टीका लगवाना है? जी सर। लाइन भी लंबी है? लाइन लंबी है, 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, आज जाके लाइन में थे नहीं, 2-3 दिन टीके थे नहीं, आए थे। अच्छा, आज आया था। आपको लग रहा है जिस तरह से बाहर का माहौल है शायद थोड़ा ज़्यादा खतरा बढ़ गया सबके लिए? बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया टीके लगाना भी। आज तो आपका खैर लाइन में नंबर भी आ गया है, लेकिन ये बताइए 18 साल से उम्र के कल शुरू होना लेकिन राजस्थान में नहीं हो पाएगा, टीके ही नहीं है? हो सकता है हो जाए शुरू, कुछ तैयारियां तो चल रही है गवर्नमेंट की। एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है। आप भी टीका लगवाने आई हैं? नहीं सर। फिर मम्मी है। मम्मी के साथ? हाँ। डर लग रहा है क्योंकि अब आपको 18 साल से कल तो शुरू नहीं हो पाएगा? डर तो हमारे को नहीं लग रहा, कोरोना का डर ही नहीं है। नहीं, डर किस चीज का है, अब बीमारी तो आएगी, अब क्या कर सकते हैं उसमें। नंबर आ जाए? नंबर आ जाए। कब आधे घंटे होगा? आधा घंटा होगा ना। पैर जरा कर रखे, लोगों को तो देखो कितने परेशानी हो रही है। मैं इनका कहूंगा भी तो उनसे जाकर क्या कहेंगे, वो तो आएगा जैसे आएगा नंबर। यार ये थोड़ी जाकर कहेंगे उनको। आधे घंटा हुआ नहीं, आपको आए हुए आप की नजर आ रही है। ऐसे लोग हैं जिनको लाशों के जलाने की जगह नहीं मिल रही है, आपको उनसे पूछो। सेकंड डोज है मेरा, और बड़ा अच्छा लग रहा है लगाने से, लगाना भी चाहिए और सबको लगाना चाहिए। मेरे को बोलेंगे तो मैं एक पाँव पर खड़ा होकर लगा लूँगा, 24 घंटे एक पाँव पर खड़ा रहकर लगा लूँगा, और लोगों को भी ऐसे इनक्रेज करूँगा, होना चाहिए सर। अभी लोगों को एहसास नहीं कि दूसरे किस विविधा से गुजर रहे हैं, इसलिए ठीक है। हर तरह आपको नजर आ रही है अभी थोड़ा बहुत बाहर कहीं लोगों के बीच में, क्योंकि कम तो हो नहीं रहे, रोज 17,000 लोगों की खुद की लापरवाही है, प्रशासन भी क्या करेगा इसके लिए। आपको बोल दिया कि मास्क लगाओ, मास्क को यहाँ लटका रखा है, गलत है नहीं है?
अब प्रशासन कितना किसके पीछे पीछे पड़ेगा, प्रशासन ने जो काम करना था पूरा कर दिया उसने अपना, कोई जवाबदारी नहीं है प्रशासन की। आदमी को बोल रहे हैं यहाँ कुआ तो गिर जाएगा, लेकिन वो तो मैं तो कूद जाऊँगा, बोले कौन बचाएगा उसको, तो वाली बात। ये देखिए एक सकारात्मक सोच है, शायद जयपुर के लोगों का यही एक जज्बा है जो कि टीकाकरण अभियान को भी सफल बना रहा, हर रोज 5 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाता है। इसी तरह से लोग सहयोग भी कर रहे हैं प्रशासन को, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी लापरवाही नज़र आ रही है और यही कारण है कि हर रोज 17,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज मिल रहे हैं। फिलहाल तो युवाओं के लिए एक बुरी खबर जरूर हो सकती है कि 1 मई से उनके लिए टीकाकरण का अभियान शुरू नहीं होगा, लेकिन सरकार की कोशिश है जल्दी से जल्दी उनके लिए भी टीकों की व्यवस्था की जाए ताकि वे लोग भी अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।